जनरल इलेक्शन 2024 कौमी असम्बली का हलका है NA 214 सरपार कर का मुकम्मल सरकार रिजल्ट तमाम उम्मीदवारों के वोटों की तफसील के साथ। यहाँ से कामयाब करार पाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीर अमीर अली शाह जीलानी, इन्होंने हासिल किया 1,32,365 वोट। जबकि दूसरे नंबर पे आए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के अब्दुल रज़ाक, इन्होंने हासिल किए 60,829 वोट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मखदूम जैन हुसैन कुरैशी ने हासिल किया 16,844 वोट। जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना अब्दुल अजीज ने हासिल किया 1,686 वोट। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के गुल हसन ने हासिल किया 880 वोट। आज़ाद उम्मीदवार पीर शान अली शाह जीलानी ने हासिल किया 866 वोट। आज़ाद उम्मीदवार उमीद अली ने हासिल किया 366 वोट। आज़ाद उम्मीदवार मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी ने हासिल किया 345। आज़ाद उम्मीदवार वली मोहम्मद ने हासिल किया 97 वोट। आज़ाद उम्मीदवार निज़ामुद्दीन ने हासिल किया 93 वोट और आज़ाद उम्मीदवार दिलावर खान ने हासिल किया 83 वोट। इस जनरल इलेक्शन 2024 में थरपारकर के कौमी असम्बली के हल्का NA 214 से पीर सैयद अमीर अली शाह जीलानी रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।